हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दो तरीके से व्हील कार्ड बनाने वाले हैं। पहले तरीके में हम घर की चीजों से एकदम बाजार जैसा व्हील कार्ड बनाने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सर्कल्स को कट आउट करेंगे। हमें यहाँ पे 4 व्हील्स चाहिए और ईच व्हील में हमें 3 कार्डबोर्ड के सर्कल्स चाहिए। ये देखिए, ये हमने 3 सर्कल्स कार्डबोर्ड के कट आउट कर लिए हैं और अब हम इसे फेविकॉल लगा के एक दूसरे से स्टिक कर देंगे और ऐसे हमें 4 सेट बनाने हैं। अब हम सर्कल के हाफ में पॉइंट आउट करेंगे और इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद एक्रेलिक कलर के कैप से हम यहाँ पे बीच में सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक छोटी प्लेट की हेल्प से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से कट करेंगे। हमें इस तरीके से 4 कटआउट्स करने हैं, एक छोड़कर एक। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नॉर्मल कार्डबोर्ड है जो कि हमारे सबके घरों में किसी न किसी डिलीवरी में आता ही है, तो मैं उसे ही आज यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और ये देखिए, हमारा एक व्हील रेडी हो गया है। ऐसे ही हमें चारों व्हील्स को बनाना है। अब हम फेविकॉल में पानी मिक्स करेंगे जिससे कि ये थोड़ा पतला हो जाए। टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे। अब हम कार्डबोर्ड पर फेविकॉल अप्लाई करेंगे। और उसके ऊपर ऐसे टिश्यू पेपर को प्लेस करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप दूसरे तरीके से जो मैंने बनाया है उसको जरूर वॉच करिएगा, जो कि इसी वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हमें इस तरीके से टिश्यू पेपर को पूरे कार्डबोर्ड पे अच्छे तरीके से कवर करना है और 3-4 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, हमारे चारों व्हील सूखकर रेडी हो गए हैं। अब हम स्केल की हेल्प से इसके मिडल में एक पॉइंट कर लेते हैं और अब स्क्रू की हेल्प से हम इसमें एक होल करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें चारों व्हील्स में होल करने हैं मिडल में। अब हम इसके स्क्रू रिमूव कर रहे हैं जिससे कि हम इस पे कलर कर सकें। अब हम इसमें एक्रेलिक पेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे कैमल का 032 बर्नट अंबर वाला कलर यूज किया है। Thank you.
इस तरीके से हमें चारों व्हील्स पर पेंट करना है। हमारे चारों व्हील्स पेंट हो गए हैं। ये एक मिठाई का डब्बा मेरे पास रखा था, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ कार्ड बनाने के लिए। अब हम इस पर एक्रेलिक कलर करेंगे, वही सेम कलर जो कि हमने व्हील्स पे किया था। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक मिठाई का डब्बा था, आपके पास भी कोई मिठाई का डब्बा, कोई चॉकलेट बॉक्स हो तो आप उसे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वेस्ट चीज़ों से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इस पे हमें डबल कोट करना है, मैंने बैक की तरफ भी किया है जो कि ऑप्शनल है। ये मेरे पास दो प्लाई के टुकड़े स्क्रैप रखे हुए थे, इस पे हमने चारों तरफ ड्रिल कर लिया है। अब जहाँ हमने पहले होल किया था व्हील में, वहाँ पे अब हम स्क्रू डालेंगे और अब लकड़ी को उसमें फिट कर देंगे। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसे टाइट कर देंगे। इस तरीके से हम बाकी तीनों व्हील्स को भी प्लाई में फिट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारे चारों व्हील्स रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमारा मिठाई वाला बॉक्स था उसको प्लेस करके चेक कर रहे हैं। अब हम दोनों प्लाई पर ग्लू लगाएंगे जिससे कि हम हमारे मिठाई वाले बॉक्स को इस पे पेस्ट कर सकें। आप इस पे कोई भी एडहेसिव लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा व्हील कट रेडी है ना, इजी बनाने में। चलिए अब देखते हैं इससे भी आसान तरीके से हम व्हील कट कैसे बना सकते हैं। सेकंड तरीके से जो हम व्हील कट बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, प्लाई, सीडी, सैंड पेपर, स्क्रू, ब्लैक वूल, एमसील। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कार्डबोर्ड के 4 सर्कल्स कट करेंगे सीडी के ही मेजरमेंट के। फ्रेंड्स, ये सीडीज मेरे पास काफ़ी पुरानी रखी हुई थी तो मैंने सोचा जिसे ही रीयूज करती हूँ। ऐसे ही आपके भी घर में कोई सीडी पड़ी हो या कोई ऐसी ही वेस्ट चीज़ें हो तो आप भी इसका कुछ बनाइए और उसे रीयूज करिए। अब हम यहाँ पे 2 सीडी लेंगे, उसके बीच में कार्डबोर्ड का सर्कल प्लेस करेंगे। फेविकॉल की हेल्प से हम लोग स्टिक कर देंगे कार्डबोर्ड को सीडी से। इसी तरीके से हमें चारों व्हील्स के लिए करना है। अब हम एक वूल लेंगे, सीढ़ी के सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट ले लेंगे, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और उसी के इक्वल हमें 6 स्ट्रिप्स लेनी है वूल की और अब हम इसे साइड से कट कर देंगे। अब हम इसके एक साइड नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद उसे किसी के नीचे प्लेस कर देंगे और अब हम वूल के स्ट्रिप्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट में 2 स्ट्रिप्स हैं। अब हम इसकी इस तरीके से प्लेट्स बना लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है और इस तरीके से हमें 4 बनाने हैं। अब हम सीढ़ी लेंगे, उसमें ग्लू लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमने ये प्लेट्स बनाई हैं उसे स्टिक कर देंगे। आप चाहे तो फेविकॉल से भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा टायर रेडी है। ऐसे ही हमें चारों टायर्स पे इस प्लेट्स को स्टिक करना है। अब हम एमसील लेंगे,
हमें एकदम थोड़ा सा एमसिल लेना है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों को। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और सीढ़ी में इस तरीके से एमसिल लगाएंगे जिससे कि जब हम टायर को फिट करें तो वो अच्छे से घूम सके और जो कार्डबोर्ड हमने लगाया है वो फटे नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए, एक तरफ हमने ये भार भी लगाया है एमसिल जिससे कि ये थोड़ा व्हील वाला लुक दे। ऐसे ही हमें चारों व्हील्स पे करना है। ये देखिए हमारे चारों व्हील्स रेडी हो गए हैं, एमसिल हमारा सूख गया है। अब हम इसमें बीच में होल करेंगे स्क्रू की हेल्प से इस तरीके से। ये सेम प्रोसेस हमें चारों टायर्स के लिए रिपीट करना है। अब हम दो प्लाई लेंगे, उसे सैंड पेपर से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। और इन प्लाई के टुकड़े पे मैंने चारों तरफ ड्रिल कर रखा है, ये देखिए। अब हम इन सीरीज को थोड़ा सा साफ कर लेंगे जिससे कि अगर कोई भी हाथ लगा हो तो वो साफ हो जाए। अब हम ब्लैक एक्रेलिक पेंट को लेंगे, एक ब्रश लेंगे और सीढ़ी पे इस तरीके से पेंट करेंगे। ये देखिए हमने चारों व्हील्स पे पेंट कर लिया। अब हम एक वूल लेंगे और हम व्हील का लुक देने के लिए फिर से बीच के सर्कमफ्रेंस का हम मेजरमेंट लेंगे और 6 स्ट्रिप्स लेकर उसे कट करेंगे, नॉट बनाएंगे और उसी तरीके से प्लेट्स बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाए थे। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और ये देखिए हमने चारों व्हील्स पे इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और इसे स्केल की हेल्प से हम मेजर करेंगे और हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रेंड्स पहले तरीके में मैंने आपको चॉकलेट बॉक्स और मिठाई के बॉक्स से बनाना बताया था, लेकिन आपके घर में चॉकलेट बॉक्स या मिठाई बॉक्स न हो तो आप कार्डबोर्ड की हेल्प से भी बना सकते हैं। चारों साइड का मेजर करने के बाद अब हम इसे 2.5 इंच तक कट कर लेंगे। और उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम इसे इस तरीके से ग्लू से स्टिक कर देंगे चारों साइड्स पे। और ये देखिए ये हमारा बन गया। अब हम इसे थोड़ा और मजबूत करने के लिए इसके बीच में एक और कार्डबोर्ड लगाएंगे और उसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर देंगे। रोल शीट जो हम अलमीरा में लगाते हैं उसे मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैंने कार्डबोर्ड के साइज का ही उसे कट कर लिया है। अब हम इसे फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। इसके लुक को और इन्हेंस करने के लिए जैसे मैंने पहले वूल के प्लेट्स बनाई थी वैसे ही यहाँ पे बना के मैं इसको ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। अब हम सीढ़ी में स्क्रू डालेंगे और उसे वुड पे फिट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। इस तरीके से हम चारों व्हील्स को फिट कर लेंगे प्लाई पे। ये देखिए ये हमारे चारों व्हील्स फिट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये कार्डबोर्ड बनाया है उसे लगा के देखेंगे, चेक करेंगे कि सही है। ये देखिए ये एकदम हमारा सही है। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और ये देखिए हमारा व्हील कट रेडी है ना, ये भी बहुत इजी बनाने में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और एक लाइक तो बनता है। Thank you for watching my video.